इट कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द मून। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर ही हमारा इसलिए बन रहा है कि हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस को लिखना कैसे है। जनरली वी राइट नंबर 1, 2, 3, 4 कॉमास डाल के। आपको छोटी क्लासेस में सिखाया था कि लैक्स में है तो कॉमा कहाँ लगेगा, थाउजेंड्स में है या फिर 10,000 में है, करोड़ में है तो कॉमा कहाँ लगेगा। बट वी कैनॉट एक्सटेंड द नंबर्स इन एनी वे। ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम एक्सटेंड ही करते जाएंगे। 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ऐसे आप लिख सकते हो कहीं पेपर पे। हु विल काउंट? ओके, इट विल बी मिस्टेकेबल ऑल्सो मेनी टाइम्स की काउंट करके उसका कॉमा लगाना, या फिर उसको काउंटिंग में थोड़ी गलती भी हो सकती है। ठीक है, सो पहले आपको बताया कि नंबर लिखना है, 3 डिजिट नंबर लिखना है, 4 डिजिट लिखना है, 5 डिजिट लिखना है। फिर जब आपको 7 डिजिट नंबर बताया, 6 डिजिट नंबर बताया, तो आपको बताया कि कॉमा से कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर जब उससे भी थोड़ी और बड़े नंबर आए, फिर आपको बताया कि उसको एक्सपोनेंट की पावर में कैसे लिखना है उसको इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब चंद्रयान 3 ने डिस्टेंस जो कवर किया टू रीच मून, इट कवर्ड 384,400 किलोमीटर टू रीच मून। सच अ बिग हाँ नंबर। ठीक है, हाँ तो मैप के ऊपर जो दिखाया गया था, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो शो किया गया था, दैट वाज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। वन आपका सेंटीमीटर जो था ना, आपका मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर वाज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर्स। 10,000 किलोमीटर जो है उसको ऑल्सो वी कैन राइट इन पावर फॉर्म। कि अगर मैं 10 की जीरोज को, कितनी जीरोज हैं, अगर उसको मैं ऊपर पावर के फॉर्म में लिख दूं, इट विल बी वेरी इजी टू रिकग्नाइज कि कितनी जीरोज हैं और उसको बोलना कैसे है, उसका नेम क्या है। नाउ देयर वर 4 जीरोज, 1, 2, 3, 4। 1 सेंटीमीटर दे काउंटेड एज 10,000 किलोमीटर, तो 10,000 को हमने लिख दिया 10^4, विच वॉज इजी टू रीड। हर एक इंसान को समझ आ जाता है कि 4 जीरोज है और वो 10,000 है उसका नेम। ऑल राइट, सो इट कवर्ड दिस मच डिस्टेंस टू रीच मून। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन, एंड इट इज रिलेटेड टू यू नो योर मैथमेटिक्स इन मेनी सब्जेक्ट्स। आपका होल चैप्टर है इसके ऊपर। अब जैसे ये लॉन्ग डिस्टेंसेस, मुझे आई हैव मेड दिस टेबल फॉर यू, प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, आपने साइंस में तो पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में, तो फ्रॉम द सन उसका जो डिस्टेंस है अर्थ का, इट इज दिस मच, 1.496 × 10^8। ओके, सो हाउ दिस हैज कम, आई वॉन्ट टू शो यू कि ये नंबर कैसे आया है, पावर कैसे आपने लगाई है। इट वॉज दिस मच नंबर। हैव यू रेड इन योर चैप्टर टू राइट अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? यस, रेज योर हैंड। हैव यू रेड इट? वहां तक पहुंचे हो आप? हाँ, आई आई कैन सी फ्यू हैंड। तो राइट अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स यू हैव टू राइट दिस नंबर इन, या दिस इज, कैन यू सी दिस नंबर्स? 1, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट मी टेक दिस कलर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, व्हेन आई काउंट इट, तो 8 जो नंबर है वो मेरा कहाँ तक आ रहा है? काउंटिंग 8 हो रही है, तो मेरे को 8 जो है यहाँ पे पावर लिखनी है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका डेसिमल है वो यहाँ पे पहुंचेगा 1 के बाद। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि 7 के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल आएगा, 5 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा। डेसिमल हैज टू रीच देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। आई एम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट हैज टू क्रॉस, यू नो, फर्स्ट थिंग, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है उसमें कोई भी अगर डेसिमल नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि वो एंड पे उसका डेसिमल होता है यहाँ पे। ये आपको सिखाया गया था डेसिमल के। ओके, वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल टू द लेफ्ट साइड बिफोर 4। ठीक है, तो व्हेन आई काउंटेड इट, इट हैज टू जंप 4 प्लेसेस, सॉरी 8 प्लेसेस। जब 8 प्लेसेस जंप करना है तो इसकी पावर आ जाएगी 8। ओके, व्हेन यू आर राइटिंग 8 पावर, तो यू नीड नॉट राइट दीज ऑल जीरोज। यू विल राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 1.496 × 10^8। ओके, सिमिलरली दीज ऑल जीरोज यू नीड नॉट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट
यू हैव टू यूज देम वाइल काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 8, आई कैन राइट इट 7.783, दैट्स इट, आई डोंट रिक्वायर जीरोज, इनटू 10 डेज टू पावर 8, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर मैं जीरोज भी लिखना शुरू कर दूं फिर तो वो फायदा ही नहीं हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म का. व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स, डू यू अग्री? अगर मेरे को दोबारा से फिर से लॉन्ग नंबर लिखना ही है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं हुआ. सो व्हाइल राइटिंग द डेसिमल, व्हाइल राइटिंग द एक्सपोनेंट पावर ऑफ 10, आई हैव टू स्किप जीरोज फ्रॉम हियर. ओके, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन योर चैप्टर आल्सो. राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वन वन मोर आई एम डूइंग फॉर यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 8, वेरी स्ट्रेंज, अगेन इट इज कमिंग 8. 279 इंटू 10 डेज टू पावर 8, दिस विल बी स्टैंडर्ड फॉर्म. जब भी कोई हायर कैलकुलेशन होती है, हायर डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ स्पेस क्राफ्ट, दिस दैट, तो उसके बारे में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर यूज करते हैं जनरली. ओके, चंद्रयान 3 का आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने एट प्रेजेंट. आई वॉज आई यू नो येस्टरडे आई वॉज हैप्पी टू नो कि आपका बहुत कंसर्निंग टॉपिक चलेगा आज. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल. बहुत ही ईजी है ही. एंड वन थिंग यू मस्ट नो कि जो नीचे वाला नंबर होता है, दिस वन, जैसे 10 है, 10 विल बी कॉल्ड एज बेस एंड दिस 8 विल बी कॉल्ड एज पावर और एक्सपोनेंट. आई कैन कॉल इट पावर, आई कैन कॉल इट एक्सपोनेंट, प्लीज रिमेम्बर. ओके, क्वेश्चन में आपको कैसे भी आ सकता है. लेट अस स्टार्ट द मॉड्यूल. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस रीड इट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट. एसर्शन रीजन से हम स्टार्ट करेंगे सो दैट आपका क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट की. फर्स्ट एसर्शन इज, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया 2, उसको मैं इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 2, 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
फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल। सपोज मैंने उसको 10 टाइम्स कर दिया, सपोज मैंने उसको 12 टाइम्स कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड मतलब टू, टू की मैं बात कर रही हूं, बेस नंबर इज कॉल्ड द बेस नंबर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी सपोज टू 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 टू, मैंने सपोज यहाँ पे 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 12 टाइम्स। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, पावर नोटेशन में लिखने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 2 रेज टू पावर 12। जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ दैट विल बी रिटन इन बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, राइट। एंड उसकी जो ऊपर कॉर्नर पे लिखा जाता है, राइट कॉर्नर पे, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अभी असर्शन में यू कैन टेल मी वेरी वेल दिस इज ट्रू और फॉल्स। लेट मी, एनीबडी, नेम देने की नेम लिस्ट देना। यस बेटा, एनीबडी, लेट मी रीड इट अगेन। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, जैसे मैंने ये फाइनाइट कर लिया 2 रेज टू पावर 12 कर लिया, 2 को मैंने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द बेस नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज गिवन ऑल्सो 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 3 इज बेस, 3 रेज टू पावर 5, हियर 3 इज बेस। बॉटम वाला जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड बेस। दिस इज ट्रू और फॉल्स बच्चे? हु से ट्रू, प्लीज रेज योर हैंड। यस, एक्सेलेंट, यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन, द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ टाइम 3 इज मल्टीप्लाइड, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स एक्सपोनेंट। ट्रू, यस, मैंने आपको बताया था कि उसको पावर भी बोल सकते हैं, उसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चंद्रायन 3 के जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, उसमें जो मैंने स्केल पे आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर वॉज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर दिखाया गया था स्केल पे, तो बेस वॉज 10 एंड पावर वॉज 4।
ओके तो जो भी उससे डिस्टेंस कवर किया, तो ऑल दो उसमें जीरो कम थी, इट वॉज 3,84,400 किलोमीटर, सो उसमें जीरो कम सी, इसलिए उसको नंबर में एक्सप्लेन किया गया था, नंबर में ही लिखा गया था. अगर उसमें जीरो ज्यादा होती तो उसको पावर नोटेशन में एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता. ठीक है बेटे, सो इट वॉज रीडेबल डिस्टेंस चंद्रयान 3 का, सो दैट बच्चे बच्चे को समझ आ जाए इंडिया के, है ना, कि क्या हुआ है. ऑल राइट, तो एसर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन में एक्सपोनेंट की बात हो रही है, एसर्शन में हमारी बेस की बात हो रही है. आर दे रिलेटेड टू इच अदर? नो, तो बी ऑप्शन विल मैच. ओके, एसर्शन की आएगी फर्स्ट, की ऑप्शन आएगी आपकी बी. यस, सेकंड क्वेश्चन, एसर्शन इज सिक्स कैन बी रिटर्न एज सिक्स, मैं आई एम नॉट काउंटिंग जीरोज बिकॉज यू हैव टू काउंट इट, 10 raised to power 9, आर दे 9? सेक्शन 3 में आई कैन सी योर हैंड. यस, फ्रंट बॉय प्लीज कम फॉरवर्ड. फॉल्स और ट्रू बच्चे, स्पीक लाउडली. फॉल्स, हाउ मेनी सिक्स आर देयर, हैव यू काउंटेड? आई कुड हियर यू, मेरे को जीरोस बताओ कितनी थी उसमें, कितनी जीरोस थी? हम 10, इज इट 10? लेट मी काउंट, 1, 2, 5, 6, 7, 8. यस, 12. यस यस, इट इज नॉट मैचिंग, सो दिस इज फॉल्स. सेकेंड असर्शन इज फॉल्स, यस, एंड रीजन इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ अ नंबर हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स इन अ वेरी कन्वीनियंट वे. इट इज ट्रू, बहुत ज्यादा लॉन्ग, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स को कन्वीनियंट वे में, छोटे से नंबर में, ब्यूटीफुल रीडेबल नंबर में हम अगर लिखते हैं, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस. तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ही वही है, नोटेशन उसकी क्यों बनाई गई है, ताकि उसको रीड करना इजी हो जाए. तो दिस इज ट्रू, सो सेकंड डी ऑप्शन विल गो, डी ऑप्शन विल गो, बिकॉज असर्शन आपका फॉल्स था और रीजन आपका ट्रू था. फाइन, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सुना हुआ ये नाम आपने, 7th में किया होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. यस, सेक्शन 3 में पीछे जो विंडो के साथ बैठे हैं बच्चे, प्लीज कम फॉरवर्ड, येलो टी शर्ट. या व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ताकि आंसर हमारा 1 आ जाए. जैसे 3 है, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3, ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए. वेरी गुड, ये 7th क्लास का आपका टॉपिक था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. ओके, लेट मी रीड द सेंटेंस. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर गिव्स द प्रोडक्ट एज 1. यस ट्रू, एवरीबॉडी नोस, रेज योर हैंड. ये तो आपने जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. यस, वेरी गुड, उसी को ही सेंटेंस फॉर्म में बताया गया, दिस इज ट्रू, वेरी गुड. रीजन इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर. यस, आई शोड यू इन टेबल कि बहुत बड़े नंबर को अगर हम पावर नोटेशन में लिख देंगे, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर मैं डेसिमल को उठा के, मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है, 3, 8, 4, 7, आई एम नॉट पुटिंग कॉमा हियर बिकॉज आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, 0, 0, 0, 0, कोई नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है, डेसिमल का कोई नाम निशान नहीं है. कई बच्चे बोलते हैं डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे शिफ्ट कैसे कर रहे हो उसको, तो डेसिमल जो है वो दैट इज हिडन आफ्टर दिस नंबर, जो आपको खुद देखना है. कॉमन सेंस है, दिस इज कॉमन सेंस, डेसिमल इज एट द एंड ऑफ एवरी नंबर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो. 7 है तो मैं उसको 7.0 बोलूंगी, इट इज हिडन आफ्टर द नंबर. ओके बच्चे, सो वी आर शिफ्टिंग दिस डेसिमल, जंपिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो आई कैन राइट इट एज 3, 4, 7 to 10 raised to power 7. स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है बच्चे, सो
स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. इज इट राइट और रॉन्ग? ओके यस, क्योंकि जब भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखते हैं डेसिमल पक्का आता है. डेसिमल लिखते हैं और साथ में 10 की पावर लिख देते हैं. ओके दिस इज ट्रू. सो थर्ड में हमारी ऑप्शन मैच करेगी बी. व्हाई? बिकॉज रीजन थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, किसी और चीज की बात कर रहे हैं और एसोसिएशन में कुछ और चीज बताई थी हमने. ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से टोटली डिफरेंट था उससे. फाइन. फोर्थ क्वेश्चन, assertion, power is defined as a whole expression of repeated multiplication. Power is defined as, power है. अगर suppose मैं 3 raised to power 12 लिखती हूँ, तो मुझे पावर क्या बता रही है? द पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. ये पावर मेरे को बता रही है कि 3 को हम रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 12 times. इंक्लूड बेस एंड एक्सपोनेंट्स. इंक्लूड बेस एंड इसमें बेस की भी बात हो रही है और पावर उसकी एक्सपोनेंट की भी बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल 6 raised to power 4 इसको इज द पावर, इसको काट दो बीच में से. 6 is the base and 4 is the exponent. इज इट क्लियर टू यू? 6 is base and 4 is exponent. दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. रेज योर हैंड. ट्रू. यस, गुड. दिस इज ट्रू. रीजन, 5 raised to power 4 upon 5 raised to power 2 इज इक्वल टू 5 raised to power 6. आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है कि ये नंबर जो नीचे और ऊपर होते हैं ये आपस में माइनस होती है पावर्स. इट शुड बी 5 raised to power 2 नॉट 6. व्हेन दे आर अप एंड डाउन दे सब्ट्रैक्ट ईच अदर. व्हेन दे आर गेट मल्टीप्लाइड देन दे आर एडेड. ठीक है, बार बार आपके सेम ही चीज जो है हरे पूरे चैप्टर में यही चीज अप्लाई हो रही है बार बार. सो रीजन इज फॉल्स. तो हमारी सी ऑप्शन मैच करेगी. फोर्थ क्वेश्चन की आपकी आएगी सी ऑप्शन, बिकॉज एसर्शन वॉज ट्रू एंड रीजन वॉज टोटली फॉल्स. इज इट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन सी डॉट्स एट द बैक साइड ऑफ पेपर. पेज को टर्न करो एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. 21 क्वेश्चंस हैं और ये 1 क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं ये डॉट्स के अंदर. कैन यू सी इन द वर्कशीट कि आपके जो डॉट्स हैं उनके ऊपर कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. आपको दिख, ये जो डॉट्स इधर उधर यहाँ वहां लगे हुए हैं तो इनके ऊपर साथ साथ कोई कोई नंबर्स भी लिखे हुए हैं. एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. देयर आर नो ऑप्शंस इन क्वेश्चन 1 इन असर्शन पेपर. असर्शन मैम, व्हिच वन? क्वेश्चन 1 व्हिच वी डिड नाउ. असर्शन. असर्शन. असर्शन रीजन ऑप्शंस आर नॉट गिवन दैट व्हिच वन इज ट्रू फॉल्स और लाइक. ओके ओके. इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन यू मीन टू से? ओके 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 फाइन. शैल आई एक्सप्लेन इट? एक्चुअली आई डूइंग इट एवरी डे बेटा. तो जस्ट राइट डाउन. मैंने आपको अभी बताया कि बी ऑप्शन है फर्स्ट की, सेकंड की डी है, थर्ड की बी है, फोर्थ की सी है. शैल आई एक्सप्लेन यू कि बी ऑप्शन कौन सी होती है इफ इट इज नॉट रिटन? मैम शैल आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? ऑल राइट, I'll do that. Thank you. Assertion given to me instructions. It's okay. Yeah, बच्चे. See instructions में क्या है आपका? Let me explain it. क्योंकि ये every worksheet में होता है आपका और आपको वो देख के बताना होता है actually. So what is that? उसमें क्या है? When A option is there, आपकी A option में होता है कि assertion and reason both are true. Reason both are true. Both are true. If you want to write in short form, you can write also. Okay, both are true. It means ki ye option will be there. Okay, true bhi honi chahiye aur related bhi honi chahiye. Both are related. Both are related. Related means ki jo cheez aapne true batai hai, to unka aapas mein reason bhi bataya hua ki wo true kyun hai.
बी ऑप्शन आपकी होती है कि बोथ ट्रू, बी ऑप्शन जो आती है वेदर इट इज कैपिटल और स्मॉल डजंट मैटर, वो आप कुछ भी कर सकते हो. बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट मैचिंग. बोथ ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, इसमें फिर से बोथ ट्रू आ गया, ठीक है, बट दे आर नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड. हो सकते हैं एसोसिएशन में किसी और टॉपिक की बात हो रही है, जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स की बात कर रहे थे, किसी और चीज की बात हो रही थी, ठीक है, और दूसरे में एक्सपोनेंट्स की बात हो रही थी. तो टॉपिक्स आर टोटली रिलेटेड, ऑल दो दे आर ट्रू बट दे आर टोटली नॉट रिलेटेड टू इच अदर, सो वी टॉक इट एज बी ऑप्शन जो आपने लिखी थी. बी ऑप्शन इज ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, एसोसिएशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, तो हमारी सी ऑप्शन आती है. ओके बच्चे, एंड डी में हमारी जो ऑप्शन होती है उसमें होता है हमारा उल्टा होता है, इसका एसर्शन हमारा फॉल्स होता है एंड रीजन हमारा ट्रू होता है. दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन एक्चुअली जनरली, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो तब भी दिया होगा, आपको रीड करके ही आपको बताना होगा कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है. To you now? Yes, raise your hand. Have you understood? How the answer there? Intention and reason. All right. Shall we move further, bachi? Okay. Next question is, I was explaining you. Let me read the question first. Assertion, reason के नीचे आपके directions are given. Directions means आपको कुछ instructions दी गई हैं. Instructions are figure out the answer of each questions given below. Figure out means जितने भी question आपको 21 questions दिए हुए हैं उनके आपको answers निकालने हैं. इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर में ही चलना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद फिफ्थ कर लिया, फिफ्थ के बाद फिर टेंथ कर लिया, ठीक है. ट्राई टू गो इन ऑर्डर 1 2 3 4, ठीक है, एंड फाइंड इट नेक्स्ट टू द डॉट. सपोज आपने फर्स्ट का आंसर निकाल लिया 9/16, ठीक है, तो डॉट के ऊपर कहीं ना कहीं 9/16 लिखा होगा, 9/16, ठीक है, उसको यू कैन मार्क इट विद अ पेंसिल, डार्कन इट, एंड सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाता है -3, तो यू विल मूव टू -3, कहीं -3 आपके एक डॉट बना होगा, जिसके पास -3 होगा यू विल बी ज्वाइनिंग दैट विद द लाइन, ठीक है. आपको पेंसिल अपनी फॉरवर्ड में ही लेके जानी है कि फर्स्ट क्वेश्चन टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन टू थर्ड क्वेश्चन, राइट, थर्ड क्वेश्चन टू फोर्थ क्वेश्चन, लाइक दिस यू हैव टू कीप मूविंग योर पेंसिल इन ऑर्डर इन कंटिन्यूशन. ओके, so be careful to lift your pencil and begin again each time. Of course, जब आप एक line join कर रहे हो, first को second से join कर रहे हो, you have to lift your pencil, solve the third question, then go to the third point, जहां पर उसका answer है. Suppose हमारे पास 4/9 है. Have you understood how to go? Raise your hand. You have to solve it and look for the answer in dots. Dots का पूरा group बना हुआ है आपका next page पे. ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन देम. नेक्स्ट पेज पे यू कैन सी द डॉट्स वेरी क्लियरली, उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आंसर्स आर रीडेबल, यू कैन सी कहीं पे 4/5 raised to power 2 लिखा हुआ है, कहीं पे 32/81 लिखा हुआ है, उसके साथ comma 6 भी लिखा हुआ है, किसी किसी डॉट पे 2-2 आंसर्स भी है, ठीक है. यहाँ पे अगर वो है तो -1 भी लिखा हुआ है किसी के साथ, बी केयरफुल, हो सकते हैं हमारा 16th क्वेश्चन आए तो उसका भी यही वाला डॉट ही हो, सेम आंसर, तो यू हैव टू रीच एट द सेम डॉट अगेन. ओके बच्चे, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. सी फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/5 raised to power 6. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी अभी आपने बताया था, टोल्ड मी सेक्शन 3, आई कैन सी हैंड्स, या पीछे से आई टू कॉल सम बॉय फ्रॉम द बैक साइड.
सेवेंथ सेक्शन थ्री। यस आगे आ जाओ, वेरी गुड। ओके आप बता दो, हु इज सिटिंग एट द फ्रंट? यस यस 5/4 raised to power 6 minus 6 माइनस माइनस सिक्स नहीं आएगा, बाई सिक्स आएगा, योर पावर विल रिमेन सेम, पावर विल रिमेन सेम, इसका आएगा 5/4 माइनस रेज टू पावर 6, दिस विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपके इसको आगे नहीं सॉल्व करना, इसकी पावर नहीं खोलनी हमने, बिकॉज दिस वॉज आस्क्ड ओनली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। जो कुछ पूछा गया सिर्फ उसी का आंसर देना है, एंड लुक फॉर माइनस 4/5 रेज टू पावर 6, माइनस 4 रेज टू पावर 6 इन द डॉट्स। हैव यू फाउंड? प्लीज राइट डाउन नंबर 1 ओवर देयर, जहां पे भी है ये उसके साथ ही लिख दो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, माइनस 5/4 रेज टू पावर 6, माइनस 5/4 रेज टू पावर 6 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके साथ फर्स्ट लगा के सर्कल कर दो, बिकॉज ये आपके पास, उसके साथ एक कॉमा करके 9 भी लिखा हुआ है बच्चे, प्लीज रिमेंबर, कॉमा 9 भी लिखा हुआ है इसके साथ। तो इसका मतलब किसी क्वेश्चन का 9 आंसर आएगा तो हमें वापस इसी डॉट के पास पहुंचना है। इज इट क्लियर? सो सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेटिव, दोबारा से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 रेज टू पावर माइनस 2। रिमेंबर पावर आपकी नेगेटिव आ रही है अभी, रेज टू पावर माइनस 2। I want to call the name now. Yes, Manvi. Manvi, section, come forward. Manvi, where are you? Yes, yes, please come. Five by four. You said four, 5/4 raised to power what? Two. Okay. Go back. Okay. I'll tell you this is right or wrong. Yes. You want, you want to change it? Yes. 5/4 5/4. Okay. You said 5/4 raised to power 2. You said like this? Yes, ma'am. Okay. Okay. Go back. Anybody else? Anybody else? Yeah. I can see other child. Yes. 5/4 raised to power minus 2. 5/4 raised to power minus 2. He said 5/4 raised to power minus 2. Okay. Any other person? Koi aur aana chahta hai? Anybody? Anybody wants to change these? Isko chhod do. He told me 5/4 raised to power 2 and he told me 5/4 raised to power minus 2. Yes, one more child I see here. तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये है ही थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, डजेंट मैटर, डोंट माइंड अगर तीनों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो डजेंट मैटर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा है, प्लीज माइंड इट कि जब भी आपके पास नेगेटिव पावर आए पूरे चैप्टर में कहीं भी, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी आपके पास नेगेटिव पावर आती है प्लीज उसको पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो ऑलवेज, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है। नाउ सी आई डोंट वांट टू क्लियर इट, क्योंकि मेरे को अभी क्लैरिफाई करना है कि ये ठीक है, ये ठीक है या वो ठीक है, इज इट ठीक है, आई एम नॉट क्लियरिंग इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन था ये 4/5 रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है, तो मेरे को सबसे पहला मेरा काम है इसको पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, यू नो इट, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को उसको उठा के नीचे लाना पड़ेगा, उसको वन अपॉन करना पड़ेगा पूरे के पूरे नंबर को। ये मेरा क्वेश्चन था 4/5 रेज़ टू माइनस 2, मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आई। अब नीचे ले आई मैं, यहां पे सपोज कर लो आपके पास पूरा का पूरा कोई ए है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा,
वन बाय ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 4/5 रेस टू पावर 2। सिंपल। आपको इसको टू स्टेप्स करना है, ये क्वेश्चन आपको टू स्टेप्स में करना पड़ेगा, एक स्टेप में नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप इज मेक द पावर पॉजिटिव, देन अप्लाई योर रूल ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, छोटे दो दो स्टेप्स के क्वेश्चन है इसमें, बट यू हैव टू डू इट वेरी कॉशियसली। बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर। एनी एनी डाउट इन दिस? दिस इज क्लियर? सो क्लियर आंसर इज 4/5 रेज टू पावर 2। द लास्ट बॉय टोल्ड मी द करेक्ट आंसर, इट इज 4/5 रेज टू पावर 2। प्लीज मार्क इट, यू कैन राइट द आंसर इन फ्रंट ऑफ इट, बिकॉज आपके पास इसमें वो एमसीक्यू नहीं है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 4/5 रेज टू पावर 2। एवरीबडी हैज कम टू नो व्हाई, जिन्होंने मेरे को पहले आंसर बताया था आपको रीजन पता चल गया होगा कि 5/4 क्यों नहीं है, और जो दूसरा आंसर बताया था। ओके बच्चे, सो लेट्स मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई। दिस इज 2/3 रेज टू पावर -3। फिर से -3 पावर आ रही है, प्लीज माइंडेड, बी वेरी केयरफुल। नेगेटिव पावर है, उसको हमने सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। आपको मैंने क्लू दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? डिवाइडेड बाय 4/3 रेज टू पावर -2, ठीक है? 2/3 रेज टू पावर। अब इसमें बहुत ज्यादा बातें देखने वाली हैं क्या? एक तो नेगेटिव पावर आ रही है, ऊपर से डिवीजन का साइन आ रहा है, ठीक है? सबसे पहला मेरा काम है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना, ताकि मेरा काम जो है वो इजी हो जाए, ठीक है? तो लेट अस मेक इट 3/2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज टू पावर 2। मैंने दोनों को पॉजिटिव बना दिया रिवर्स करके, रिवर्स किया, इसका मतलब क्या किया? उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया मैंने। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2, everybody knows. 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/4, उल्टा कर दिया उसको। एनी डाउट इन दिस स्टेप? फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट है? रेज योर हैंड एंड स्टैंड एंड आस्क मी। फाइन, दिस इज क्लियर, एवरीबडी नोज। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखते हैं। सबसे पहला काम हमने कर लिया, इट वॉज सो सिंपल, ठीक है? आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 3/2 रेज टू पावर 3, 3/2, इट इज 2, 3/2 रेज टू पावर 3। अब आपको ये भी पता है, इंटू 4/3 रेज टू पावर 2, इंटू 4/3 रेज टू पावर 2। अब आपको पता है डिविजन से मल्टीप्लीकेशन पे जब हम जाते हैं तो जो सेकेंड वाला नंबर होता है ये वाला, इसको हम रिवर्स कर देते हैं फिर से। हमने दूसरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का लगाया, सेकेंड स्टेप में हमने डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, ठीक है? नाउ यू कैन स्टार्ट द नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका बनता है। तो आपकी ऑप्शन इसमें आनी चाहिए, प्लीज कैलकुलेट इट। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, 3/3 डिवाइडेड बाय 2/3। आई नीड टू पुट दम सेपरेटली, यू नो, क्योंकि मेरे को अभी 3 को 3 से क्लब करना है और 4 को 4/2 डिवाइडेड बाय 3/2। मैंने पावर्स को सेपरेट क्यों किया है? कैन एनीबडी टेल मी? सेपरेट करने का रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को जो बेस दिख रहे हैं 3 और 2, उनको मैं क्लब करना चाहती हूँ इकट्ठा। आई कैन राइट इट एज 3/3 -2, यू नो, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इसके साथ। एंड यहाँ पे आपके पास 2/3 था और यहाँ पे 4/2 था, जिसको मैं लिख रही हूँ 2/2 -2। 4 को मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि वो मेरा 2 के पावर में बन जाए और मेरे को बेस सेम मिल जाए। जब तक बेस सेम नहीं होगा मैं पावर्स को प्लस या माइनस नहीं कर पाऊंगी। ओके, सो आई हैव टू लुक फॉर 3/3 -2 = 1 इंटू 2/4, दिस वॉज 4, 4 -3, अगेन इट इज 1, 3 × 2 = 6। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है,
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं एक ही क्वेश्चन में. एवरी स्टेप इज न्यू स्टेप, यू नो. तो आर आंसर इज कमिंग 6. लुक फॉर द डॉट. कहाँ पे है 6 आपका? आई कैन फाइंड इट. वहां पे 3 नंबर लिख दो, जहां पे छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है आपकी फिगर में, यू नो, ऐसे बना हुआ ना, वहां पे आपको 3 दिखेगा. यहाँ पे वो दिख रहे हैं सबको? 6 मिल गया सबको? रेज योर हैंड, हैव यू फाउंड इट? 6 आंसर मिल गया, ठीक है. उस पे क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो. 3 थर्ड का आंसर था वो. यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर आ रहा है बेटे. ये डॉट्स, इसी क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू द स्टेप्स हाउ टू गो. कुछ स्टेप्स होते हैं आपको उसी तरीके से अगर फॉलो करोगे आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी. फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ. एट ए टाइम एक ही चीज को देखो. अगर आप दो तीन स्टेप्स इकट्ठे मिक्स कर लोगे तो गलती पक्का होगी. कई बच्चे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उसको रिवर्स भी कर देते हैं, पावर भी पॉजिटिव बना देते हैं. माइंड भी कभी ठीक हो जाए बट गलत भी हो सकता है. हमने इसको पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव के बाद मैंने नेगेटिव डिवीजन साइन को देखा, मैंने उसको पॉजिटिव बनाया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाया रिवर्स करके. फिर मैंने देखा कि ये बेस सारे मिलते मिलते यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 का 4 जो इट इज रिलेटेड टू 2. तो मैंने सबको जो है वो सेपरेट क्यों किया, ताकि मैं पावर्स को प्लस या माइनस कर पाऊं. एक्सपोनेंशियल रूल्स जो है, आपके 4-5 रूल है पूरे चैप्टर में, वो रूल अप्लाई कर पाए. नीचे पावर है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पावर है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू आर डूइंग दिस, सॉल्विंग दिस इन योर नोटबुक, क्योंकि आपकी असाइनमेंट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये. दिस इज लॉन्गर. लेट्स मूव अहेड. फिर से नेगेटिव पावर आ रही है, डोंट माइंड. आज अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नेगेटिव पावर की, जो जनरली मिस्टेक के जिसके चांसेस होते हैं. बार बार मैं एक ही बात आपको बता रही हूँ कि मेक द पावर पॉजिटिव. जैसे ही आप उसको पॉजिटिव बनाओगे, आपका सॉल्यूशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इजी क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है बेटे, फोर्थ क्वेश्चन. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वेन एवर यू डू एनी क्वेश्चन प्लीज डू लिप सिंग. माइंड बोल बोल के लिखो उसको. ठीक है, ये तो बहुत ही ध्यान से करने वाला है. आपको पावर भी देखनी है, बेस भी देखना है और साइन भी देखना है. वेरी गुड, यस यस, दिस इज सिंपल. आई कैन हियर. आर यू फाइंडिंग इट सिंपल? रेज योर हैंड. छोटा क्वेश्चन है, रेज योर हैंड. ओके, स्टार्ट डूइंग. मेक द पावर पॉजिटिव फर्स्ट. दिस इज 5. आई राइट इट एज 1/5. पावर पॉजिटिव करनी है इनटू 1/2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 1/6 कर लिया. सबसे पहला काम तो हमारा खत्म हुआ कि हमने पावर को पॉजिटिव बना दिया. ठीक है, चलो अभी आगे सोचो इसका क्या करना है. 1/5 इंटू 1/2 इंटू 6/1. डिविजन साइन को भी खत्म कर दिया हमने. ठीक है, एंड डिविजन साइन को जब मैंने खत्म किया तो आई कैन कट इट. 2 3 6, आई कैन डू इट एज 1/5 इंटू 1/2 इंटू 6 है. तो यू नो, वैसे ही एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में हम कटिंग करना सिखाते नहीं है, कटिंग करना अलाउड नहीं होता. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आई एम राइटिंग दिस स्टेप. 1/5 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 3. मैंने 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, सो इट विल बी 1/5 इंटू 2 रेज 1 -1 इंटू 3. क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का चैप्टर है, उसमें कटिंग अलाउड नहीं होती है. रफ भी कर सकते हो उसको देखने के लिए कि हमारे पास आंसर ठीक आएगा कि नहीं. दिस इज योर, दिस शुड बी योर रफ वर्क. एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में आपको पावर फॉर्म में ही चलना है. सबको 1 -1 है तो 1 -1 करो. ठीक है, सो इट विल बी 3/5. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली.
व्हाट इज एनी नंबर रेज टू पावर 0? 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 जो आया था लास्ट, अभी व्हाट इज 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1? अभी यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे इंटरसेक्शन यू आर, ही इज एब्सेंट. कैन आई आस्क रिद्धि? यस, कम फॉरवर्ड. व्हाट इज 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1? आगे आना पड़ेगा आपको बेटा, प्लीज कम फॉरवर्ड. जीरो, व्हाट इज 2 रेज टू पावर 0? 1. नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, चाहे कुछ भी हो, एनी हाईएस्ट नंबर आप ले लो, उसकी पावर जैसे ही वो 0 आएगी वो 1 बन जाएगा. तो वी आर लेफ्ट विद 5 ओनली, सो लुक फॉर द डॉट. 3/5 आपको आई थिंक माइनस 2 के साथ ही दिख रहा है ऊपर, उसी ट्राइंगल में ही, उसी ट्राइंगल जिसकी मैं बात कर रही थी वहीं पे आपको दिखेगा 3/5. प्लीज मार्क इट एंड उसके साथ क्वेश्चन नंबर लगा दो 4. यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 भी डाल दो ताकि आपको याद रहेगा कितने क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं यहाँ तक मैं पहुंच चुका डॉट को ज्वाइन करते करते. इज इट, प्लीज ट्राई एट होम फॉर द क्वेश्चन जो आपको इजी लगेंगे, प्लीज ट्राई टू डू इट, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आई कंटिन्यू. द बेस्ट. टीचर्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, है ना? वी हैव रीच्ड मून, यस और नो? अच्छा मुझे ये बताइए कि कल जो शाम को 6 o'clock पूरा हमारा आ रहा था टीवी पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स है वॉज दैट? गुड, सेक्शन 1 में बहुत सारे बच्चे हैं, बट नॉट ऑल. वेरी गुड, वेरी गुड. डिड यू फील थ्रिल्ड एट दैट टाइम? आपको अच्छा लगा था उस टाइम? अच्छा, आपके माइंड में, यस टेल मी, कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में आए थे उस टाइम? कोई आपके रिलेटेड, कोई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, कोई आपके चैप्टर से रिलेटेड, बेटा कुछ सोचो. सेक्शन 4, कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, वहां पे बच्चे कितने इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे थे, उनकी इंटरव्यू हो रही थी, और आप छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, है ना? बोलिए, आगे आके बोलो, आगे आके बोलो. हाँ, एनिमेशन से पढ़ाएंगे, एनिमेशन से पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, कोई बात नहीं. कुछ चीजों की एनिमेशन होती है, कुछ की नहीं, हम रेलेवेंट फील करते, राइट?
एनिमेशन की लैंडिंग उन्होंने दिखाई थी, बट आपको अच्छा लगा था कि नहीं? ऑब्वियसली एनिमेशन से ही दिखाएंगे, वहां पे कोई बहुत ज्यादा, आई डोंट नो उन्हें कैसे पता चलता है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा वीडियोग्राफी तो हो नहीं ना सकती। कैसे कैसे सिग्नल्स आते हैं ये तो साइंटिस्ट को या फिजिक्स वाले टीचर्स को ज्यादा पता है, बट आई कैन वी कैन डिस्कस समथिंग अबाउट बायोलॉजी। यस, हु विल टेल मी कि हाउ मच ग्रेविटी इज प्रेजेंट ऑन द मून एज कंपेयर टू अर्थ? डू यू नो? आगे आके बोलेंगे, आगे आके कोई स्टूडेंट रेज योर हैंड एंड देन टेल। ये थोड़ी सी, हाँ जी, सेक्शन वन में से कोई आ रहे हैं? हाँ जी, यस, सेक्शन वन। हाँ जी बेटे, सेक्शन थ्री आप बेटा थोड़ा सा चुप करेंगे। हाँ जी, सेक्शन वन, कितनी ग्रेविटी है बच्चे? 1/6 है एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है, अर्थ की एक्स है तो मून की एक्स बाई सिक्स है, मतलब वेरी लेस, 6 टाइम्स लेस ग्रेविटी, या हम कह सकते हैं अर्थ की 6 टाइम्स मोर ग्रेविटी है एज कंपेयर टू मून। तो देन टेल मी, हु विल टेल मी कि वेदर वी आर एबल टू स्टैंड ऑन द मून सरफेस विदाउट एनी सपोर्ट? जैसे नो, है ना, हम उड़ते रहेंगे, ग्रेविटी है पावर ऑफ अट्रैक्शन, हम अर्थ पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, है ना, अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, ताकि उसके हम सरफेस पे चल सके। चलिए जी, देन इज देयर एनी एटमोस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ मून? कल हमें बताया जा रहा था टीवी पे, यस, एनीबॉडी हु हैज हर्ड, कौन सी गैसेस है वहां पर, कोई है कि नहीं है? एनीबॉडी? यस, जिसको पता है वो आगे आओ। बेटा हमारा, देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो थोड़ा सा, हम इसी पे ही हम बात करें, इतना ज्यादा चंद्रयान चंद्रयान की बात हो रही है, तो हम थोड़ा सा चंद्र के बारे में, मून के बारे में, दिस इज, यू नो, दिस इज अर्थ, हम यहीं रह रहे हैं, पेड़ पौधे यहीं सरफेस पे, इसी पे ही हम सरफेस पे रह रहे हैं, एंड हमारा एटमॉस्फेयर थिक एटमॉस्फेयर है, अप टू 80 किलोमीटर्स, इतनी हाइट तक, अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट तक जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, थिक एटमॉस्फेयर है, वेयर एज इन केस ऑफ मून, ये तो मैं बहुत आपको दिखा रही हूँ, डिस्टेंस नजर आ रहा है, बट बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है ना, वेरी थिन एटमॉस्फेयर, हमारे एयर में तो बहुत सारी गैसेस है, वेयर एज मून जो है, अगर हम कहेंगे तो मून हैज वेरी, एक हम कहते हैं कि एक परत होती है, एक थिन लेयर है एयर की, ठीक है जी, थिन लेयर है एटमॉस्फेयर की ऑन मून, वेरी थिन लेयर, ठीक है, दैट इज व्हाई देयर आर नो सीजन्स, और वो जो थिन एयर है वो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, और वो एयर ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हिल रहे हैं, हमें हवा लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी थिन लेयर, और इट इज इक्वल टू वैक्यूम, है तो सही लेयर बट ये वैक्यूम खाली ही है, इसलिए मून जो है वो साइलेंट है। वाई साइलेंट? अगर हम वहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाके चीखे मारे, हमारा रोवर चला गया, लैंडर चला गया, उसकी मशीनरी है, उसकी आवाजें नहीं आएगी मून पे? तो बेटा नहीं आएगी, बिकॉज अभी आप 8th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स में साउंड का पढ़ेंगे, साउंड में क्या है, साउंड रिक्वायर्स सम मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमने जो मुंह से निकाले वर्ड्स निकाले, साउंड निकाली, उन वाइब्रेशंस को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, कोई लिक्विड चाहिए, कोई सॉलिड चाहिए,
सम मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, सम मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, बट इफ देयर आर नो मॉलिक्यूल्स और वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स देन साउंड विल नॉट। इसलिए वहां पे इतने सारे अमेरिका ने, रशिया ने, चलो उन्होंने नॉर्थ पोल पे भेजे होंगे, उन्होंने साउथ पोल पे भेजा, वो जब उतरते होंगे दैट इज लैंडर्स, तो आवाज तो होगी मशीनरी की, बट इट इज स्टिल साइलेंट बिकॉज देयर इज यू नो ऑलमोस्ट वैक्यूम और देयर आर वेरी लेस मॉलिक्यूल्स और नो मॉलिक्यूल्स फॉर द साउंड टू ट्रेवल। इज इट ओके? एक तो वहां पे ग्रेविटी नहीं है, अगर एटमॉस्फेयर है तो बहुत ही थिन लेयर है, नो सीजंस है ना, सिर्फ दिन और रात होती है। दिन और रात जो है वो किस कारण है? दैट इज अबाउट सन्स प्लेस। सन से जब रोशनी आ गई तो दिन हो गया, जब सन दूसरी तरफ चला गया तो रात हो गई। एंड इन द साउथ पोल देयर इज यू नो 14 डेज ऑफ सन और लाइट एंड 14 डेज ऑफ डार्कनेस। तभी हमारा जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है, इट इज प्लान्ड फॉर 14 डेज। कौन से 14 डेज? जिन 14 डेज में डे है। और यू कैन सी, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे 14 दिन उनके एक दिन के बराबर है। दिन मतलब जो जहां पे रोशनी पड़ती है। इज इट राइट? सो अवर 14 डेज आर इक्वल टू 1 डे ऑन द मून। सो अवर चंद्रयान 3, इट्स रोवर, इट इज डिजाइन टू वर्क फॉर 14 डेज ओनली, बिकॉज ड्यूरिंग दीज 14 डेज द रोवर विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन टू चार्ज इटसेल्फ, राइट? देन सो माइक्रोग्रेविटी है ऑन द मून, देयर इज माइक्रोग्रेविटी, देयर इज वेरी एटमोस्फियर, इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन पे हम चैप्टर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन वाला, क्या इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट है बेटा, एक तो लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। इसका फर्क ये है कि ज्यादा लॉस होता है ड्यू टू विच द बोन्स बिकम वीक एंड डिक्रीजेस। ये साइन मैंने डिक्रीज का बनाया है, डिक्रीजेस यू नो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, या पावर की जगह आप कह सकते हो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। डिक्रीज इन एबिलिटी, बेटा ध्यान से इधर देखो, बातें नहीं, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है? दैट इज व्हाई है ना अमेरिका ने नील एंगस्ट्रॉम भेजा था, तो वो 1969 में गए थे, उसके बाद 2-3 साल अकॉर्डिंग टू देम, आई डोंट नो इज इट ए मिथ और ए ट्रू है ना, बट 72 तक, 1969 से 1972 तक उन्होंने अप्रोक्सीमेटली आई ही होप 6 ह्यूमन बेस्ड मिशंस भेजे थे मून पे। ह्यूमन बेस्ड मिशंस की बात है, ह्यूमंस गए थे 6 टाइम्स, राइट? 6 टाइम्स ही थे मोस्ट प्रोबेबली, 6 और 7 टाइम्स, ठीक है? तो बट व्हेन दे रिटर्न, एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न फ्रॉम द स्पेस, तो उनको सीधा हॉस्पिटल्स भेजा जाता है। वो कुछ उनके टेस्ट तो चलो होते होते हैं, उसके बाद बहुत सारे उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स में से बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल चुका होता है और उनकी फिजियोलॉजी खराब हुई होती है, तो जिनको पूरा ठीक करने के लिए दे हैव टू स्पेंड फ्यू डेज इन द हॉस्पिटल्स ओनली, राइट? तो दे डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज there is weakening of bones if a person lives for long on the you know moon
हैविंग वेरी लेस ग्रेविटी एंड हैविंग वेरी लेस एटमोसफियर, इज इट ओके? ठीक है, तो और मून पे हार्मोनल इम्बेलेंस भी हो जाता है. देयर इज लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस इफ अ पर्सन लिव्स फॉर ए लॉन्ग ऑन द मून, इज इट ओके? थोड़ी सी चीजें ये है, ये वाली जो दो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम आज हम फटाफट से, आपके पास आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस, जल्दी से. यू हैव द असाइनमेंट, डू फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस. बेटा सेक्शन फोर, बेटा आराम से आराम से, है ना? इतना शोर क्यों आता है? जल्दी से ये फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस करोगे, देन वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. सेक्शन थ्री बेटा, सेक्शन थ्री. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर वन, सेक्शन वन. एनी स्टूडेंट कम फॉरवर्ड. यस, द बॉय इन द रेड शर्ट. आज आपका बर्थडे है बेटा, आगे आके बोलो, आगे आके माइक के पास. यू आर ए न्यू स्टूडेंट और यू हैव बर्थडे टुडे. ओके ओके ओके, चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर वन बताइए. इट इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ टू सेक्स सेल्स, दैट इज वेरी ट्रू. बैठिए बेटा, सेक्स सेल्स ब्रैकेट में लिख लीजिए गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग एंड स्पर्म की फ्यूजन होती है, सो दीज आर सेक्स सेल्स और गैमीट. वेरी गुड. देन क्वेश्चन नंबर टू, सेक्शन टू. यस, यहाँ पे जो राइट साइड में बिल्कुल गर्ल्स बैठी है, थर्ड गर्ल कम फॉरवर्ड. एक्सट्रीम राइट में जो बैठी है थर्ड स्टूडेंट, आ जाओ भाग कर आओ. एंड क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दोबारा से. हाँ, ए पार्ट है, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी एंड रिसोर्सेस. पूरी पूरा आंसर बताइए. हाँ, इट अलाउज फॉर रैपिड. बेटे देखो, मेरी बात सुनो, बैठो बेटा, आपको क्लियर नहीं है, लिसन टू मी, है ना? इधर बैठो और इधर देखो. अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये प्लांट है, ये हमने इसकी ब्रांच ली, ये हमने इसकी ब्रांच काटी और उसके छोटे छोटे पीस कर लिए बहुत सारे, और इसको ग्रो किया, हमें बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मिल गए. दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक ही टाइम में बहुत जल्दी से प्लांट्स मिल गए. अगर इस प्लांट ने फ्लावर बनाया, मैं वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बता रही हूँ, ये आपने सेवंथ में पढ़ा हुआ है. इसका स्टेमन है एंड पिस्टिल है, इसने फिर गैमीट्स बनाए, इन दोनों ने. फ्यूजन होके जाइगोट बना और फिर जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया और वन एम्ब्रियो फॉर्म्स द न्यू प्लांट. तो बेटा मुझे ये बताइए, कौन सी रिप्रोडक्शन फास्ट है, फर्स्ट एसेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट, इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ, है ना? ये एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका क्या एडवांटेज है?
दैट इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग क्यों है ना? थोड़ी बहुत चीजें मिलती है उनके साथ, बट वी आर ए मिक्सचर ऑफ अवर पेरेंट्स। व्हाई? बिकॉज वी आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल, दो पेरेंट्स से है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनि पेरेंटल, एक ही पेरेंट्स से, राइट? सो क्वेश्चन नंबर टू आंसर इज डेन, इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री सेक्शन फोर, जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट बेंच पे लड़का बैठा है वो आगे आ जाओ, बिल्कुल लेफ्ट में आ जाओ, आ जाओ। आप ही जो पीछे को देख रहे हैं, आपके साथ वाला बेटा, आपके साथ वाला, इधर वाला। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए जल्दी से। सेक्शन फोर में से, सेक्शन फोर में से बुलाया मैंने। हाँ, पार्ट सी पार्ट बेटा, ये सी पार्ट नहीं आंसर, इनमें चारों के आंसर्स देने हैं। पढ़ो जरा ऊपर, टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड वाई बोथ रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बडिंग। ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहल फ्रॉम शुगर, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ब्रेड। ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म वाई इज अ टाइनी एनिमल हैविंग टेंटिकल्स विच लिव इन वॉटर। वट इज ऑर्गेनिज्म एक्स? ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियल बेटा इसमें नहीं, नाम बताना है, वो मुझे आंसर मिल चुका है, बट इसका नाम बताना है। ये देखो, इधर देखो, बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ देखिए, ये है ऑर्गेनिज्म, इसने छोटी सी बड बनाई, उसके बाद फिर आगे छोटी सी और बड बन गई, और बड बन गई, इस तरह से है। ऑर्गेनिज्म ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बडिंग तो प्रोसेस है, इस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है बेटा? सबको पता है बेटा, इतने जैसे आप बैठे थे ना, हम तो ऐसे बैठे थे जैसे हम किसी मेहमान किसी के घर गए हुए हो, आराम से रेस्ट, सिट प्रॉपरली, बैठो बेटा। सो ऑर्गेनिज्म एक्स जो है वो है यीस्ट, इट इज यूज्ड इन बेकिंग, इट इज यूज्ड इन, यू नो, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था ये, ठीक है जी। नेम द प्रोसेस इन विच एक्स कन्वर्ट्स शुगर इंटू एल्कोहल। यस, सेक्शन फोर में से फर्स्ट बेंच में से एक स्टूडेंट का, हाँ, आ जाओ आ जाओ। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, वेरी गुड। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, ये आपने 7th क्लास में किया है। फर्मेंटेशन का दूसरा नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स डज एक्स बिलोंग? हाँ जी, एनीबडी रेज योर हैंड्स। एक ही स्टूडेंट को पता है, कोई और बताए? सेक्शन थ्री में से। अच्छा, मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ऑप्शन दे देती हूँ कि ये जो यीस्ट है ये एल्गी है या फंगस है, या इसको आप फंजाई भी कह देते हो, या फिर ये कोई प्लांट है, या फिर कोई ये बैक्टीरिया है। यस, टेल मी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा, सेक्शन 1 में से देर इज स्टूडेंट 1 जिसका हाथ खड़ा है। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, सेकंड स्टूडेंट। हाँ, सेक्शन 1 में से, सेक्शन 1 में से। हाँ हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, पंजाई, इज इट दिस वन की दिस वन, इज इट दिस, यस और नो? यस, ओके, वेरी गुड। दिस इज ए फंगस, यीस्ट इज ए फंजाई, ठीक है जी। आउट ऑफ एक्स एंड वाई
अच्छा जी, वाई ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन सा है ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर एनिमल है। अच्छा इस तरह से नजर आता है और यहाँ पे इसकी बड़ है। विच इज दिस ऑर्गेनिज्म? हाइड्रा। वेरी गुड, दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा इज एन एनिमल, राइट? द क्वेश्चन इज आउट ऑफ एक्स एंड वाई विच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर? हाइड्रा इज मल्टी सेलुलर। एंड यीस्ट जो एक्स था, यीस्ट एज यू हैव सीन दैट इट इज यूनिसेलुलर। एक्स इज यूनिसेलुलर, वाई इज मल्टी सेलुलर। देन क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन थ्री, सेक्शन थ्री बताएंगे। यस कम फॉरवर्ड, जो राइट साइड में थर्ड बच्चा है। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ रिप्रोडक्शन। फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु विल टेल मी? व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, द बॉय विद द येलो शर्ट, आई थिंक इन सेक्शन थ्री। हाँ जी यस, एनी गर्ल कम फॉरवर्ड। हाँ जी सेक्शन थ्री में से फर्स्ट गर्ल। इन्वॉल्विंग इट इज रिप्रोडक्शन। हाँ आगे। वन पेरेंट। यस इट इज यूनि पेरेंटल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग वन पेरेंट, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर सेवन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजियस ओवर एसेक्सुअल, दिस इज ट्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन अडेप्टिंग डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना? क्योंकि जब वेरिएशंस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो जगह जगह पर रह सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेवंथ रीजन असर्शन में आंसर ए। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन। यस, हु विल टेल मी अबाउट एट्थ? हाँ जी पीछे से भी कोई आंसर दो, पीछे से। यस सेक्शन फोर में से कोई, बैक बेंचेस में से कोई स्टूडेंट। जल्दी से सेक्शन थ्री में से कोई, पीछे से आ जाओ कोई। यस कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड। मैम जिसको कह रही है वो आगे आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रो, आ जाओ आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाँ जी कम फॉरवर्ड सामने देख के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल व्हाइल ए सेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, ट्रू और फॉल्स? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मेल और फीमेल चाहिए, एंड ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट चाहिए। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद वन फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस टू सेल्ड जाइगोट, इज इट ट्रू? दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? कि एक एग है, उसके साथ स्पर्म फ्यूज किया तो क्या बना? वन सेल्ड जाइगोट, यूनिसेलुलर जाइगोट। एक ही सेल बना, दो नहीं बने, यूनिसेलुलर जाइगोट। और उसके बाद ये डिवाइड होता है, फिर एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। ये डिवीजन होती है, बातें नहीं, ठीक है? तो आंसर इज सी, राइट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल टू द पेरेंट। आर दे आइडेंटिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ट्रू, बिल्कुल ठीक है, इट इज ट्रू, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स। ऑप्शन सी। देन बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ और बड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। बडिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों ट्रू है, बट इट डज नॉट, बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, बट दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। सो आंसर इज बी, बॉम्बे। ठीक है जी, अब चलिए हमारे पास 7 मिनट्स है। आई टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर्स, कैन आई टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टू एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द स्टूडेंट्स? एक मिनट, मैं टीचर से पूछ रही हूँ, मे आई टेक 5 मिनट्स इफ आई मे रिक्वायर? एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके मैम, थैंक यू बेटा। पहली बात तो सब एकदम चुप, और दूसरी बात ये कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, वी टेक फूड, सम इज डाइजेस्टेड, सम इज एक्सक्रीटेड आउट। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट, फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट, फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, यू नो, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। लाइकवाइज ईच ऑर्गेनिज्म वॉन्ट्स टू एड द ऑर्गेनिज्म लाइक देयर ओन इन द पॉपुलेशन। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और लोग बढ़ें। डॉग है, डॉग कहता है मेरी स्पीशीज इंक्रीज हो, कैट कहती है मेरी स्पीशीज इंक्रीज हो, ह्यूमंस कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद भी ह्यूमंस रहें। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन इज लाइक एनी अदर प्रोसेस, जैसे डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वैसे रिप्रोडक्शन है। ये नहीं कि अच्छा मैम रिप्रोडक्शन बढ़ा रही है, अब तो हमें आंखें, कान, नाक सब कुछ बंद कर लेना चाहिए। नहीं, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, एंड एट दिस स्टेज इट इज इम्पोर्टेंट। जो आपकी ये स्टेज है, आपके दिमाग में बहुत सारी मिथ्स होती है, वो खत्म करें। असल में चीज हम ये समझें कि क्या है रिप्रोडक्शन। इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज नॉट कि हाय मैम क्या करवा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आंखें, आंखें, कान और दिमाग खोल कर बैठेंगे। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बेटा, कोई भी न्यू बॉर्न में प्यूबर्टी नहीं आती है। नेचर ने तैयार किया है कि जब आपकी ग्रोथ हो जाए, बोन्स की ग्रोथ हो जाए, और सबसे ज्यादा माइंड की ग्रोथ हो जाए, देन द ऑर्गेनिज्म बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। सेक्सुअली मैच्योर का क्या मतलब है? सेक्सुअली मैच्योर का मतलब है दैट इज मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिर्फ टेस्टिस और ओवरीज नहीं, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैच्योरेशन हो जाए। बेटा अब नेचर में देखो, करीबन हम एक जो स्टैंडर्ड कहते हैं वो 13 to 14 years, ऑल दो आजकल थोड़ा सा ये जल्दी हो गया, बट फिर भी अभी हमने WHO ने स्टैंडर्ड किया हुआ है, प्यूबर्टी 13 to 14 years में तकरीबन आती है। बट अब एक क्वेश्चन ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा, आप टीवी पे सुनते होंगे कि अगर नेचर ने 14 years को मैच्योर कर दिया है, तो हम शादियों की उम्र जो है, हम रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो हम वो उम्र कहते हैं 21 साल के बाद, 21 इयर्स के बाद, 18 इयर्स के बाद, ऐसा क्यों? व्हाई नॉट द ऑर्गेनिज्म, व्हाई नॉट द ह्यूमंस
कैन बी अर चाइल्ड एट द एज ऑफ 14 ईयर 15 ईयर. वाई? बिकॉज किसी भी चीज को, एक चीज मेच्योर होती है उसको आगे, हमें एक ह्यूमन को एक मेंटली मेच्योर होने में टाइम लगता है. 14 ईयर्स में हमारे सेक्स ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं, बट उनको सेट होने में, हमारी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग सेट होने में इट टेक्स 4 to 5 ईयर्स. राइट? साइकोलॉजिकली हमें बैलेंस करने में इट टेक्स 4 to 5 ईयर्स. आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च इट हैज बीन सीन दैट इफ प्यूबर्टी कम्स एट द एज ऑफ 13 14 ईयर्स, बट द पर्सन बिकम्स मेच्योर बाय माइंड, मेच्योर बाय बॉडी ऑल्सो, मेच्योर बाय बोन्स ऑल्सो, टू बियर द चाइल्ड इज अबाउट 18 to 19 ईयर्स. तो ये बिल्कुल भी गलत है कि जो लोग ये कहते हैं कि 14 साल में प्यूबर्टी आ गई, नेचर ने कैपेसिटी दे दी 14 साल में बियर करने की बच्चों को, तो 14 साल में अगर बच्चे हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है. नो, इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बोन्स, इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन ऑफ द फीमेल्स. राइट? सो प्यूबर्टी इज सेक्सुअल मैच्योरेशन. Yes. अब हम बात आ जाती है, हम बात करेंगे फीमेल्स की. इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यू नो, अ यूट्रस. लेट मी, दिस इज यूट्रस. द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस इज सर्विक्स एंड देन देयर इज विजाइना. दिस इज यूट्रस. इट हैज ए थिक वॉल. ये यूट्रस है जिसको हम वूम्ब भी कह देते हैं, यूट्रस और वूम्ब. एंड दिस इज विजाइना. विजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ केनाल. द न्यू बॉर्न, जो बच्चा यहां पे डेवलप होता है, इट कम्स आउट थ्रू विजाइना. द स्पर्म्स, गोज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू विजाइना. द मेंस्ट्रुअल फ्लो, द ब्लड, वो अभी हम बताएंगे ब्लीडिंग क्या चीज है, इट कम्स आउट थ्रू विजाइना. तो इसका मतलब फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ओपनिंग है आउटसाइड, दैट इज थ्रू विजाइना. राइट? देन ऑन द साइड ऑफ द यूट्रस देयर आर प्रेजेंट सेक्स ऑर्गन्स. और ये सेक्स ऑर्गन्स क्या है? दीज आर ओवरीज. ओवरीज, ओवरीज का क्या फंक्शन है? ओवरीज का फंक्शन है टू प्रोड्यूस एग्स. राइट? और यहां पे आ जाती है ओविडक्ट्स. दीज आर ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, ये क्या करती है? ओवरीज यहां पे एग रिलीज करती हैं बाहर, और यहां से फेलोपियन ट्यूब्स इसको पकड़ती हैं और अपने अंदर लेके जाती हैं. राइट? सो अगेन हेयर ऑल्सो देयर आर प्रेजेंट ओविडक्ट्स. ठीक है जी. सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इतना सा ही है, ज्यादा नहीं बड़ा. इट हैज ओवरीज, इट हैज ओविडक्ट्स, इट हैज यू नो यूट्रस एंड विजाइना. अब क्या है, व्हेन द फीमेल इज बोर्न, ठीक है, बर्थ ऑफ फीमेल, फीमेल चाइल्ड, ध्यान से मेरी बात सुननी है. ईच ओवरी, हर ओवरी में, ईच ओवरी 72 80,000
इमेच्योर एग्स है। हर ओवरी में बिफोर बर्थ ही एग्स बन जाते हैं, राइट? बाद में आफ्टर बर्थ एग्स नहीं बनते। जब फीमेल चाइल्ड अपनी मदर के वूम में है, उसी टाइम उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ एग्स बन जाते हैं। नो मोर एग इज एडेड आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड, राइट? तो बर्थ के टाइम इतने एग्स है, इमेच्योर है। नो चेंज टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ओवरीज में कोई चेंज नहीं है, एग्स में कोई चेंज नहीं है। प्यूबर्टी कैसे आई, क्या चेंज हुआ, ये हम बात करते हैं। अब हुई प्यूबर्टी कैसे आई, एट द एज ऑफ 12 to 14 years हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है? बट हम सिंपल मैं यहां पे लिखूंगी ब्रेन, ब्रेन में स्पेसिफिक पार्ट, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और शायद आपके चैप्टर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, इट गेट्स एक्टिव। ये एक्टिव हो गई, ठीक है? इसने क्या बनाया, इट सिक्रीट हॉर्मोन्स। ध्यान से मेरी बात सुनो, हॉर्मोन्स विच एक्टिवेट ओवरीज। इससे पहले ओवरीज को एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं था। 12 से 14 साल की उम्र में धीरे धीरे से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हुई और उसने कुछ हॉर्मोन्स बनाए जिन्होंने ओवरीज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। अब ओवरीज ने एक्टिवेट क्या हुआ, दे सिक्रीट, ओवरीज ने एक्टिवेट सिक्रीट होने के बाद दे सिक्रीट द हॉर्मोन ईस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हॉर्मोन ईस्ट्रोजन, पता है आपको सबको, हाँ ठीक है? दिस इज फीमेल सेक्स हॉर्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फीमेल में दो हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्ट्रॉन है। जो ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन, बेटा एक मिनट, फीमेल सेक्स हॉर्मोन है, ध्यान से इधर देखो, एक कौन सा है ईस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन ने क्या किया, ईस्ट्रोजन ने क्या किया, ईस्ट्रोजन मैच्यूरेशन ऑफ वन एग, मैच्यूरेशन ऑफ वन एग इन वन मंथ, एक मंथ में, एक महीने में एक एग को मैच्योर किया, बड़ा किया। दूसरा क्या किया बेटा, दूसरा इसने इट कॉजेस, इसने क्या किया, थिकनिंग ऑफ, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल को थिक कर दिया। किस लिए थिक किया, ताकि अगर जाइगोट बने, दैट्स जाइगोट गेट्स अटैच्ड विद द यूट्रस वॉल टू ऑब्टेन द नरिशमेंट, ठीक है? इसने यूट्रस को प्रिपेयर कर दिया फॉर प्रेगनेंसी। ये है ईस्ट्रोजन का काम। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम है बेटा, इट मेंटेन्स थिकनेस,
बेटा ये प्लस टू तक के बच्चों को क्लियर नहीं होता, वहां पे ये पूरा डिटेल में है बट ये क्लियर नहीं है फंक्शंस। आपको इसी स्टेज पे पता होना चाहिए, एकेडमिकली भी और वैसे भी पता होना चाहिए फॉर योर जीके। मेंटेन्स थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल, ठीक है जी। बट अगर एंड इट रिक्वायर्स, इन सब चीजों के लिए रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। इफ अच्छा इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर अगर किसी लड़की में, इफ गर्ल में, अ फीमेल, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, नो जाइगोट, नो जाइगोट, नो एम्ब्रियो, अगर ये नहीं होता तो देन व्हाट हैपन। ध्यान से इधर देखो, सेक्शन फोर बॉयज, अगर एम्ब्रियो नहीं बनता देन डिक्रीज डिक्रीज इन द प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन बेटा कम हो जाता है, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन कम हो गया, जो चौकीदार है वो काम नहीं कर रहा, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम हो गया तो क्या हो जाता है कि थिक वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स। वो कहते हैं जरूरत ही नहीं है, किस लिए, क्योंकि किसी एम्ब्रियो ने वहां पे आके अटैच ही नहीं होना, तो वो ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक जब करेगी, कोई भी सेल्स टूटेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ ब्लड फ्लो। और हमने पिछला क्या किया था कि अगर ये थिक वॉल टूटेगी, ब्लड फ्लो होगा, तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? इट कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। हमारे को ब्लीडिंग हो रही है, हाय किसी को बताना नहीं, क्यों नहीं, क्या इसमें क्या एबनॉर्मल है? देयर इज नथिंग एबनॉर्मल, द यूट्रस वॉल, यू आर हेल्दी पीपल। अगर ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मली तो यू आर हेल्दी। तो यहां से ये यूट्रस की वॉल ब्रेक हुई, वो ब्लड निकल गया, वो ब्लड वजाइना से बाहर आ गया, इट इज सिंपल, नथिंग, राइट। तो हम एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है बेटा, दैट इज एक साइक्लिक प्रोसेस है 28 डेज का। देयर इज ए साइक्लिक प्रोसेस ऑफ 28 डेज। यहां से फर्स्ट डे से 5 डेज क्या है यहां पे, ये वो दिन है जब मेंस्ट्रुएशन है, ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज है, व्हेन वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स, ठीक है। तो एकदम ये नहीं होता कि एकदम सारा ब्लड बाहर आ गया, तो फिर फीमेल में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा 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 आता रहता है, एंड इट कॉन्टिन्यूज फॉर तकरीबन 4 to 5 days। देन फिर नेक्स्ट फेज क्या है, नेक्स्ट फेज आ जाता है बेटा, दैट इज यहां तक 5 to 10 days, 5 से 10 दिन तक, सॉरी अच्छा नॉट, आई एम सॉरी, 14 डेज तक, तकरीबन 10 डेज का है, दिस इज 5 to 14 डेज। इस टाइम में क्या हो रहा है, हमें दिखता तो नहीं है बाहर से कुछ की कुछ हो रहा है, बट अंदर क्या हो रहा है, तो इस टाइम पे हो रहा है मैच्यूरेशन ऑफ एग, मैच्यूरेशन ऑफ एग हो रही है। यहाँ पे एक एग बन रहा है इन वन ऑफ द ओवरी, दोनों ओवरीज में नहीं बनता, बट इन वन ऑफ द ओवरीज में एक एग बन रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर इस पीरियड में, दूसरा दोबारा हो रहा है, दैट इज थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल फिर तैयार हो रही है। या 14th डे पे ये आपने पढ़ा होगा कि
डे पे ओवरी में से एग रिलीज होता है, इस दिन क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। और ये जो पीरियड है, ये जो 14 days का पीरियड है, 14 to 28 days, 14 दिन का पीरियड है, यहां पे क्या हो रहा है? दैट इज यूट्रस वेट्स फॉर द एम्ब्रियो। इन 14 दिनों में यूट्रस वेट करती रहती है, बट अगर एंड में, मतलब 27 28 डेज में अगर कोई एम्ब्रियो नहीं आता, तो फिर यूट्रस की वॉल टूट जाती है और फिर ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाता है। इज इट ओके? क्लियर? दिस इज ऑल, दिस इज कंप्लीट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। कितनी ड्यूरेशन है? 28 डेज की। ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज सिर्फ 4 से 5 दिन है, किसी के 6 दिन 7 दिन हो सकता है, बट नॉर्मल 4 to 5 डेज, जिसमें यूट्रस की वॉल ब्रेक करती है एंड द ब्लड एंड वेरियस सेल्स, सिर्फ ब्लड नहीं, बहुत सारे सेल्स भी जो है वो बाहर आते हैं वेजाइना से एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके बाद फीमेल की बॉडी फिर एक नया एग बनाती है, फिर यूट्रस की वॉल थिक करती है। इस ये प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है, यहाँ प्रिपरेशन। ये वेटिंग फेज है कि भी आ जाए एम्ब्रियो, आ जाए, अगर इम्प्लांट, आई एम रेडी टू हैव टू रिसीव द एम्ब्रियो। और अगर विद इन दीज 14 डेज एम्ब्रियो नहीं आता, अगेन द वॉल ब्रेक्स एंड अगेन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स। दिस इज ऑल इन शॉर्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज इट क्लियर? बिल्कुल तो हम क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो किसी लड़के की, किसी लड़की की, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, बट थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा काउंसलिंग मैं लड़कों की भी करना चाहूंगी। आई वांट टू एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो टू द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो थैंक यू टीचर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी एक्स्ट्रा टाइम, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। ओके।